हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू का रमजान। अमन अपनी सुध-बुध खोकर सड़क से भरी गाड़ियों के पास चल रहा था। एक ट्रक उसे टक्कर देने वाली होती है, इतने में हानिया नाम की मुस्लिम लड़की उसे बचाकर साइड में लाती है और प्यार से डांटते हुए कहती है, या अल्लाह व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपको दिखाई नहीं देता इतनी देर से ट्रक गाड़ियां आप पर हॉर्न बरसा रही हैं और आप अपनी ही सुध-बुध खो बैठे चल रहे हैं। जनाब आपका ध्यान किधर है? वो मैं अरे मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगली बार से ध्यान रखना, क्या पता उस वक्त मैं ना हूँ। हाय ये लड़की कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्या करूँ, कुछ पूछूं? नहीं नहीं अभी नहीं पूछता, अभी जाने देता हूँ। अमन हानिया को देखता ही रह जाता है, उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। कुछ दिनों तक वह हानिया पर नजर रखता है और एक दिन उसका रास्ता रोककर घुटनों के बल बैठकर गुलाब लिए कहता है, वो जी देखिए मुझे मुझे आपसे प्यार हो गया है, उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी, आपका चेहरा मुझे अपनी बंद आंखों में नजर आता है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? सिर्फ बंद आंखों में तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई देता है, इसलिए मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती। और मेरा बुरखा देखकर समझ गए होंगे तुम, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और जहाँ तक मैंने तुम्हें समझा है तुम एक हिंदू लड़की हो, हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारे घर वालों का क्या? हाँ पहली नजर में मैंने भी तुम्हें पसंद कर लिया था, बस कह नहीं पाई। क्या सच में? अरे तुम मेरे घर वालों की टेंशन मत लो, तुम बस हाँ करो, मैं तुम्हें बहुत सुकून से रखूंगा और मना लूंगा घर वालों को, तुम बस मुझसे शादी कर लो। ठीक है मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बाद अमन हानिया से निकाह कर उसे घर ले आता है। घर के चौखट पर बबीता अपने बेटे को किसी लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर वो कहती है, बेटा ये तेरे साथ लड़की कौन है, इतना सज धज कर क्यों आई है? माँ ये आपकी बहू है, पहली बात तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं अचानक से शादी करके यहाँ आ गया, लेकिन आप यकीन मानिए हानिया बहुत अच्छी लड़की है, दरअसल वो एक मुस्लिम लड़की है। क्या मुस्लिम लड़की? तू हिंदू होते हुए एक मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आया? अरे तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? आसपास के लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। नहीं ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं हो सकती, यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी जान एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। तू चुप कर, बीच में मत बोल। मगर आपने हमें नहीं अपनाया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, आपका इकलौता बेटा भी आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आप कैसे रहेंगे? कम से कम एक मौका तो दीजिए मुझे और हानिया के रिश्ते को। ठीक है तू इस लड़की के साथ इस घर में रह सकता है, लेकिन एक बात याद रख कि मेरी बहू कभी नहीं बन सकती ये। दिल पर पत्थर रखकर बबीता दोनों का गृह प्रवेश कर घर में बुलाती है। अगले दिन उठकर वो नमाज पढ़ तस्वी करती है, फिर हिंदू धर्म को अपनाते हुए वो साड़ी पहन अपनी सास के लिए रसोई में जब नाश्ता बनाने लगती है तो रसोई में आकर बबीता गैस बंद कर देती है और बड़ी आंखें करके उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र रसोई में कदम रखने की? तू मांसाहारी खाने वाली एक मुस्लिम लड़की मेरी रसोई में चली आई, अरे अकल के अपने मायके में छोड़कर आ गई है या मेरे बेटे ने तुझे ज्यादा ही शह दे दिया है? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी रसोई में काम करना है तो तन मन से पवित्र होना होगा। तुझे मुस्लिम आदतें जैसे कि आज सुबह तू नमाज पढ़ रही थी और मांसाहारी खाना ये सब छोड़ देगी सिर्फ तभी। अम्मी जान ये कैसी शर्त है भला? मैं मांसाहारी खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ सकती, और ये कोई गलत नहीं है अम्मी जान, बल्कि इससे तो तन मन पवित्र रहता है। अगर आप यही बात मुझे आरती करने के लिए भी कहती तो भी मेरा जवाब यही होता। हानिया की बात सुनकर बबीता का मुंह बंद हो जाता है और वहां से वो चुपचाप चली जाती है। इसके बाद हानिया चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को देती है जो कि वह स्वीकार नहीं करती। तुझे क्या लगता है अपनी बातों में मुझे तू फंसा लेगी? नहीं मैं तेरे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगी। अम्मी जान भले ही आप मुझे अभी नहीं अपना रही लेकिन मुझे भरोसा है कि आप एक दिन मुझे अपनी बहू मान लेंगी। एक बात और अम्मी जान, वो कल से रमजान शुरू है तो मैं रोजा रखूंगी 30 दिनों तक, अब इसके लिए मना ना करें इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ओहो इसका मतलब ये 30 दिन तक उपवास रखेगी, इसको टॉर्चर करने का यही है मौका। वैसे भी मेरा बेटा यहाँ रहता नहीं, अब इसको इतना तड़पाऊंगी कि इसे मेरे बेटे से शादी करने का पछतावा होगा।
हाँ ठीक है बहू, तू रख ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? अम्मी जान, कल सुबह सहरी करने के लिए फल वगैरह चाहिए थे, बस मैं वही लेने जा रही थी। अरे तू परेशान मत हो, मैं फल लेकर रख लूंगी, तू आराम कर, कल से रमजान शुरू है, बिना कुछ खाए पिए रहना होगा ना। जी अम्मी जान। हानिया को झूठ बोलकर वो हानिया की नजर में अच्छी सास बन जाती है। अगले दिन रात के 3 बजे जब वह सहरी के लिए उठती है तो देखती है बबीता सो रही है। अब क्या करूं, अम्मी जान तो सो रही है, मैं उन्हें उठा नहीं सकती, खुद ही फल ले लेती हूँ। ऐसा बोलकर हानिया फ्रिज की ओर जाती है तो उसे वहां कोई फल मिलता नहीं, ना रसोई के किसी और हिस्से में मिलता। बहुत ढूंढने के बाद वह उदास होकर कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, यहाँ तो मेरे सहरी करने के लिए एक फल का टुकड़ा भी नहीं है और ना ही कुछ खाने को खाना है। माफ करना अल्लाह, मुझे पानी पीकर ही गुजारा करना होगा पूरा दिन, कल मैं खुद सहरी के लिए कुछ ले आऊंगी। अब आया ना मजा, मुस्लिम बहू को परेशान करके बड़ी आई है रमजान रखने वाली, इसके रमजान के सारे दिन खराब कर दूंगी मैं। ऐसा कहकर बबीता सो जाती है, दिन निकल जाता है। अरे बहू माफ करना मुझे, मैं तेरे सहरी के समय उठ नहीं पाई और कोई फल भी नहीं है, तूने कैसे करी अपनी पहली सहरी? आप फिकर मत कीजिए अम्मी जान, मुझे फल मिल गए थे, मैंने खा लिया, फ्रिज में पहले से रखे थे, शाम को इफ्तारी कर ही लूंगी। वैसे भी कुछ मदद चाहिए मेरी तो बता दे, मैं बना दूंगी तेरे लिए। वैसे भी इस हाल में तुझे कहीं जाना नहीं चाहिए, तू बस अपने भगवान की प्रार्थना कर, उनसे जो भी करते हैं मुझे क्या पता। जी माँ जी। बबीता उससे प्यार से बात कर 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 उसे इस तरह से परेशान कर रही थी, वह शाम को इफ्तारी का खाना भी नहीं जुटाने देती। हानिया पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर घर के सारे काम करती, सास उसे हर तरीके से परेशान करती, सहरी के लिए न खाना देती न शाम को रोजा खोलने के लिए इफ्तारी। जैसे तैसे वह अपने खाने के लिए कुछ लेकर आती थी या शरबत बनाती थी तो उसे कभी गायब कर देती थी या गिरा दिया करती थी। इसकी ऐसी हालत देखकर और उसके साथ बुरा करने के बाद भी हानिया की इबादत देखकर बबीता को मन ही मन एहसास हो जाता है कि वह गलत कर रही है, मैं उस मासूम बच्ची के साथ गलत कर रही हूँ, शायद वह कितने श्रद्धा भक्ति से अपने रोजे कर रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह भूखी प्यासी हानिया ने 25 दिन के रोजे पूरे कर लिए, लेकिन कमजोर होने के कारण एक दिन वह बेहोश हो गई। उसे ऐसी हालत में देखकर बबीता का दिल पसीज गया और वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने कहा, लगता है आपने रोजे रखे हैं, ठीक से कुछ न खाने के कारण आप काफी कमजोर हो गई हैं। मेरी मानिए तो आपको कुछ खा लेना चाहिए। हाँ हानिया, ये लो जूस पी लो, तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है, रोजा अगले साल रख लेना। नहीं नहीं अमन जी, मैं सारे रोजे पूरे करूंगी, थोड़े दिन की ही बात है। बहू मुझे माफ कर दे, ये सब मैंने तेरे साथ किया है, तेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने तुझे ना सुबह खाना दिया ना शाम को, मैं जानबूझकर तेरे खाने को छुपाती थी और गिरा दिया करती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तू तो दिल की बहुत अच्छी निकली। कोई बात नहीं अम्मी जान, शायद अल्लाह आपके हाथों मेरी परीक्षा ले रही हूँ। ये ले दिन ढल गया है, ये फल खा, इफ्तारी का समय हो गया है, मेरे हाथ से खाएगी ना? जी अम्मी जान। इस तरह बबीता अपनी मुस्लिम बहू को अपने हाथ से इफ्तारी खिलाती है, ये देख कर मन की आंखों से भी खुशी के आंसू झलक जाते हैं। और फिर बाकी के रोजों में बबीता ही अपनी बहू के लिए रोज इफ्तारी बनाया करती, और फिर रमजान खत्म होने के बाद तीनों खुशी खुशी साथ में ईद भी मनाते हैं।